Dear students, in this module, we are going to discuss different functions of family as an institution. The primary functions of family include reproduction, socialization, and providing emotional and physical support to family members. In Pakistan, the family is considered the basic unit of society and it plays an important role in maintaining social order and stability. Whereas extended family structures are common in Pakistan with multiple generations often living together and providing support to one another. So, there are multiple factors which are producing different functions of family, and these functions are not the universal functions in all the societies. However, we see a lot of variations. For example, इफ़ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो फैमिलीस हैं वो डिफरेंट रोल्स प्ले करती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन पाकिस्तानी और पर्टिकुलरली द वेस्टर्न सोसाइटीज़ पाकिस्तान में जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसकी एक्सपेक्टेशन उसके रोल जो हैं वो पर्टिकुलरली ट्रडिशनल सोसाइटी के अंदर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द मॉडर्न फैमलीज़ सो फैमिली फंक्शनस में जो प्राइमरी फंक्शन है वो बच्चे की सोशलाइजेशन है उसकी तरबियत है लेकिन इस तरबियत के क्या पैटर्न्स होंगे uh, बच्चे को की तरबियत करते वक्त किन किन चीज़ों को किन किन एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो किस रीजन के अंदर पैदा हुआ है फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट चिल्ड्रन आर बीइंग सोशलाइज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजनस लाइक सिंध के अंदर बलूचिस्तान में पंजाब में के में या कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से नज़र आएंगी इसी तरह रूरल और अर्बन डिफरेंसेस भी मौजूद हैं अगर फैमिली एजुकेटेड है तो उसके तबीयत के अंदाज़ मुख्तलिफ होंगे नस्बता उन फैमिलीज़ के जो कि अन एजुकेटड फैमिलीज़ हैं तो सोशलाइजेशन जो है वो एक मेजर फंक्शन होता है इसके साथ साथ जो है बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होती है वो भी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है बच्चा अगर डिस्ट्रेस फील कर रहा है एग्ज़ाम्स एक के अंदर जो है वो उत, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जैसे कि सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं तो भी इमोशनल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड की जाती है और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस uh, हैं जो फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन इनके अंदर भी जो वेरिएशंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है अगर तो न्यूक्लियर फ़ैमिली स्ट्रक्चर है तो ये सपोर्ट जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही होती है इसकी नस्बत अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर है तो आपके बाकी रिश्तेदार अहबाब जो हैं वो भी आपके उस सोशलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं एट द सेम टाइम फैमिलीज़ इन पाकिस्तान ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनटेनिंग कल्चरल ट्रेडिशनस एंड पासिंग डाउन द वैल्यूज़ एंड बिलीव टू द फ्यूचर जनरेशन तो ये ना सिर्फ के फ़ोकस जो होता है वो बच्चे की तरबियत इस अंदाज से करना होता है कि उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ग्रो किया जाए बल्कि इसके साथ साथ उसको कोाशरे का एक मुफीद शहरी बनाना भी मकसद होता है जिसमें मेजर फोकस जो है वो सोसाइटी के पैटर्न्स उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करना होता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि फैमिली जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ ट्रांसमिट करती है तो कल्चर की कंटिन्यूटी जो है वो इसी प्रोसेस के नतीजे में मार्ज वजूद में आती है अदरवाइज़ कल्चर जो है वो एक स्टेगनेट प्रोसेस हो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है तो मोर इम्पॉर्टेंटली एक तो सोशलाइजेशन अहम फंक्शन है और दूसरा जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इसके साथ साथ जो चेंजेस हैं सोशल और इकनॉमिक कंडीशन के अंदर दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ फैमिली इन पाकिस्तान विद मोर फैमिलीज रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस सो इट्स अ फूड फॉर था फॉर यू कि आप देखें कि किस तरह से हमारे यहाँ फैमिली के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो बच्चों की तरबियत के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं